जय शनिदेव, अलारे आला पंडेसर आला, अलारे आला पंडेसर आला। अग्निवीरो, तुम्हें पढ़ाने आ गया हूं। अगर तुमने इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो भविष्य में कोई भी आर्मी टीचर तुम्हें यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने नहीं आएगा। चैनल को दबा के लाइक और शेयर ठोको। जय शनिदेव। एसएससी के लाखों टीचर है, रेलवे के लाखों टीचर है, आर्मी के अग्निवीरों को लगाने का जिम्मा इन कंधों ने ले लिया है। सपोर्ट कीजिए इन कंधों को। जय शनिदेव। अरे इस दिल को शांति नाम पैसा और प्रतिष्ठा कमाने से नहीं मिलती, गरीब बच्चों को अग्निवीर बनाने से मिलती है। सभी देश वक्त इस चैनल को सपोर्ट करें तो देश का नंबर वन आर्मी चैनल बन जाएगा। मुझे पूर्ण भरोसा है जल्दी ये देश का नंबर वन चैनल होगा। सभी देश वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्मी के हर गरीब बच्चे के पास इस चैनल का लिंक पहुंच जाना चाहिए। यही मेरी सभी अग्निवीरों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक एक बच्चा मेरा चैनल से अग्निवीर बनने वाला है। भविष्य के अग्निवीरों, इस चैनल को पूरे देश में फैला दो। आपकी तरह आर्मी के हर गरीब बच्चे तक ये चैनल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा जो गरीब का बच्चा है वो इस चैनल से अग्निवीर बनेगा। मैं गारंटी देता, मैं जिम्मेदारी उठा के आया हूं कि आर्मी का हर गरीब बच्चा मेरे चैनल से अग्निवीर बन के निकलेगा। जो अग्निवीर इस वीडियो को देख रहा है, मैं उससे ये कहना चाहता हूं, बेटा तुमने भी बचपन में हिंगोली खाई है, तुम भी अपने गुरु को सपोर्ट करो। एसएससी का ही बच्चा केवल हिंगोली है या रेलवे का ही बच्चा हिंगोली नहीं खाता, तुमने भी बचपन में हिंगोली खाई है। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। बच्चों 180 सिलेक्शन तो पंडित सर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट यानी एनए में दे चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा इसी बात पर वीडियो को शेयर ठोकिए। हर तैयारी करने वाले बच्चे को अग्निवीर बनाना मेरा लक्ष्य है। मैं जब तक जीऊंगा, जीऊंगा भी अग्निवीरों के लिए और मरूंगा भी अग्निवीरों के लिए। अरे छाती चीर के दिखाऊं, अग्निवीर निकलेंगे सीने से। चलो तो पढ़ा लेते हैं। आज का टॉपिक है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के सुपर 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो जीडी ट्रेड्समैन और एनए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यूजफुल क्वेश्चन है। सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक शुरू होता है प्रोटीन। प्रोटीन कैसा यौगिक है, पहला क्वेश्चन है भैया। प्रोटीन कैसा कंपाउंड है, तो प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिक है। क्या है? नाइट्रोजन यौगिक। प्रोटीन कैसा यौगिक है? नाइट्रोजन। बेटा प्रोटीन का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है भैया? प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है? प्रोटीन का निर्माण, तो भैया प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड। किससे होता है? एमिनो एसिड से है। काफी बार आर्मी जीडी और ट्रेड्स में आ चुका है, ठीक है। एमिनो एसिड, प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड के पेप्टाइड वन से होता है, लेकिन जीडी और ट्रेड्स में इनको केवल क्या पता होना चाहिए? एमिनो एसिड। इसके बाद भैया प्रोटीन की खोज, प्रोटीन की खोज किसने की? तो भैया प्रोटीन की खोज की थी बर्जिलियस और मूलडन ने। बर्जिलियस और मूलडन ने प्रोटीन शब्द दिया था, बर्जिलियस ने। इसके बाद भैया प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण कौन सा पोषक पदार्थ करता है? आंसर है प्रोटीन। शरीर का निर्माण कौन सा पोषक पदार्थ करता है? तो आंसर क्या है? प्रोटीन। तो भैया शरीर का निर्माण कौन सा पोषक पदार्थ? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के बाहर का कितना परसेंट? शरीर के बाहर का जितना हमारे शरीर में वजन है उसका कितना परसेंट है प्रोटीन? तो भैया 14.2 या 15% प्रोटीन है। और प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन 16% होता है, ठीक है भैया। शरीर का निर्माण करने वाला बिल्डिंग पदार्थ भी कहते हैं इसे, बिल्डिंग पदार्थ। तो भैया बिल्डिंग सब्सटेंस पदार्थ किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है भैया। अब देखेंगे हम प्रोटीन के स्रोत, यानी क्या क्या खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, एग्जाम के हिसाब से हम देखेंगे। तो भैया प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन और मूंगफली में। सोयाबीन और मूंगफली में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन भैया। 40% प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा सोयाबीन में। लेकिन केवल प्रोटीन की बात है तो सोयाबीन, अगर पूछे प्रोटीन और वसा दोनों ज्यादा किसमें होता है तो आंसर बदल जाएगा, मूंगफली रहेगा। सोयाबीन में प्रोटीन 40% के लगभग और मूंगफली में 26% के लगभग। और दालों में भी अच्छा होता है भैया, दालों में भी प्रोटीन। कौन कौन सी दाल? मूंग और चना। मूंग और चना की दाल में भी प्रोटीन अच्छा मिलता है भाई, ठीक है। दालों में भी, अंडा में भी बढ़िया होता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से ये बेस्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन और मूंगफली। और दालों में भी प्रोटीन अच्छा होता है, मूंग और चना की दाल में सबसे अच्छा प्रोटीन पाया जाता है भैया। प्रोटीन से होने वाले रोग देखेंगे भाई,
प्रोटीन से होने वाले कम से कम दो रोग आर्मी के बच्चे को पता हो, मरास्मस रोग। मरास्मस रोग भैया प्रोटीन की कमी से होता है, और दूसरा रोग क्वासी यॉर्कर। बेटा ये रिवीजन क्लास है, 15 दिन में 15 क्वेश्चन लेके जाएंगे हम साइंस के, सभी जितने भी जैसे हम IRO है, दिल्ली है, कोई भी सेंटर है, सभी सेंटर का बच्चा साइंस का 15/50 करने वाला है, 15 में से 15 स्कोर। चैनल को बेटा हर अग्निवीर तक पहुंचाना, एक ही उद्देश्य है, हर गरीब बच्चे को अग्निवीर बनाना, ठीक है। मरास्मस और क्वासी यॉर्कर रोग किसकी कमी से होता है भैया? प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद भाई आपसे पूछेगा गैर पशु प्रोटीन जिसमें सभी एमिनो एसिड होते हैं भाई, वो कौन सा है? तो सोयाबीन है, वेज से मिलता है, और सभी 10 के 10 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार सभी बच्चे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लिखिए सभी बच्चे, अंडे में भाई कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे में जो प्रोटीन होता है वो होता है एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स प्रोटीन पाया जाता है अंडों में। इसके बाद भैया गेहूं में पूछ सकता है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में होता है ग्लूटेन प्रोटीन, ग्लूटेन प्रोटीन, ठीक है भाई। इसके बाद अनाज में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटेलिंस। देखो गेहूं में अलग है और अनाज में अलग है, ग्लूटेलिंस। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? मक्का में पाया जाता है भैया जीन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, DNA में प्रोटीन या आनुवांशिक प्रोटीन, DNA में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या आनुवांशिक प्रोटीन किसे कहते हैं? तो भैया उसका आंसर बनेगा हिस्टोन्स। क्या बनेगा? हिस्टोन्स बनेगा। इसके अलावा हमारे रक्त में देखना है भैया, रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? भैया रक्त में होता है ग्लूबिन्स प्रोटीन, ग्लूबिन्स भी लिख सकता है या ग्लोबिन्स। तो रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लोबिन्स। और ये कैसा है? तो भैया ये जटिल प्रोटीन है, कठोर है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रोटीन पाया जाता है। तो भैया रक्त में जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो क्या करता है ये भी पता हो थोड़ा, गैसीय संवहन करता है। क्या करता है? गैसीय संवहन करता है बेटा। आज हम एक एक क्वेश्चन को प्रोटीन का जो पेपर में आता है आर्मी GD और ट्रेड्समैन में, उसको चुटकियों में उड़ा के जाने वाले हैं। सभी बच्चे अंत तक वीडियो को देखें। दालों में भैया कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दालों में जो प्रोटीन है वो है प्रोलेमिन्स प्रोटीन, ठीक है भैया, दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। भैया आपको पूछेगा एग्जाम में कि कुल एमिनो एसिड कितने हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। भैया कुल एमिनो एसिड कितने हैं? 20। कुल एमिनो एसिड कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 हैं भैया। प्रोटीन का निर्माण भी कितने से होता है? 20 से। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण ये भी कितने एमिनो एसिड से होता है भैया? 20 से। अब आपसे आगे ध्यान रखना, आपसे पूछेगा आवश्यक एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड भैया 10 हैं, और अनावश्यक जो जरूरत नहीं है वो भी 10 हैं, लेकिन केवल एग्जाम में GD ट्रेड्समैन में पूछेगा आवश्यक का निर्माण कहाँ होता है। आंसर बनेगा शरीर के बाहर, शरीर के बाहर होता है भाई आवश्यक एमिनो एसिड का निर्माण, ठीक है भाई। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं भैया? एंजाइम मूल रूप से, तो भाई एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन, और सभी एंजाइम क्या होते हैं? मेरा एक एक बच्चा शायद पहले ही जानता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं भैया? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं भाई? जैव उत्प्रेरक केमिकल कैटालिस्ट किसे कहते हैं भैया? जैव उत्प्रेरक कहते हैं एंजाइम को। किसको कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं जैव उत्प्रेरक, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछेगा जीवों की सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, आंसर बनेगा एंजाइम। जीवों की सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा? एंजाइम बनेगा भाई। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम बनेगा। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुनून के साथ चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हर बच्चा यहाँ से अग्निवीर बन के निकलेगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार फिर से आला रे आला पंडित सर आला, आला रे आला पंडित सर आला। जय शनिदेव।